पके हुए केले देखो लगे हुए हैं इसमें, इधर राधे राधे इधर लिखा है, इधर राधे। अरे वाह, ये देखिए राधे राधे। देखिए हम लोग ऊपर हैं, ऊपर से देखिए शेषनाग कितना मतलब सुंदर दृश्य दिख रहा है। काफी ऊंचे हम लोगों को और जाना है, मुझे तो डर लगने लगा है। आज हम लोग यूपी के लखीमपुर खीरी जिला के नगौवा, छोटा सा कस्बा है, ग्राम पंचायत ही है, और वहाँ पे एक सिद्ध बाबा के नाम से एक प्रसिद्ध मंदिर, अभी उसका निर्माण ही हो रहा है, भव्य मंदिर है, और वहाँ पे आप लोगों को शेषनाग के भी दर्शन कराएंगे। बहुत ही मतलब विशाल रूप में शेषनाग देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सारी संख्या में बंदर घूम रहे हैं, क्योंकि तालाब में पानी भी भरा हुआ है, और तालाब में पानी जब भरा होता है तो भाई जीव जंतुओं के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। सो है गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हो, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और दोस्तों मैं भी स्वस्थ हूँ, अपने काम में व्यस्त हूँ। और दोस्तों मैं खड़ा हूँ इस समय अमृत सरोवर, जो यहाँ जो नोंगवा के पास में अमृत सरोवर है, और हमारे सिद्ध बाबा मंदिर के पास में ही है, और बहुत अच्छा दृश्य यहाँ पे, काफ़ी संख्या में जीव जंतु देखने को मिले हैं, बंदर वगैरह भी बहुत हैं यहाँ पे। और ये देखिए कितना अच्छा सीनरी लग रही है, आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा यहाँ का है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें पानी भी भरा हुआ है, और सामने हम लोग चलेंगे वहीं पे, जो हम लोगों को कुछ मंदिर का ऊपर का गुंबज वगैरह दिख रहा है वहीं पे चलेंगे। बहुत अच्छा है वहाँ पे, बहुत बड़ी से आकृति में शेषनाग जी के दर्शन भी कराएंगे, दीवारों पे और दीवारों पे भी आकृतियाँ जो बनी हुई हैं सब दिखाएंगे। आप ब्लॉग में बने रहिए दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है। और ये आराम से लेटा हुआ है, ये कहीं नाराज़ ना हो जाए इसलिए पास नहीं जाएंगे, आप लोग दिखा रहे हैं। ये देखिए सिद्ध बाबा के स्थान का मेन द्वार है ये, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। और देखिए कितना बढ़िया आकृति वगैरह बनी हुई है, बहुत अच्छा भव्य मंदिर है। और यहाँ दीवारों पे भी इधर उधर देखिए बहुत अच्छी अच्छी आकृति बनी हुई है। यहाँ पे जो भी मूर्तियाँ बनी हुई हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य है, बहुत बढ़िया। ये देखिए यहाँ पे बाबा जी अपना, और भीड़ भाड़ है यहाँ पे सब, अच्छा यहाँ पे दूर दूर से सब लोग आते हैं, मुंडन वगैरह होता है। देखिए कितना सुंदर, ये देखिए अभी निर्माण इसका हो ही रहा है, चल ही रहा ना निर्माण। हाँ निर्माण चल रहा है, हाँ निर्माण इसका चल रहा है। देखिए कितना भव्य, और देखिए केले, केले के वृक्ष देखिए तैयार किए गए, हाँ पके हुए केले लगे हुए हैं इसमें, श्री मंडी के केले, सीमेंट के हैं, श्री मंडी के तैयार किए जा रहे हैं दोनों चौरों पे। अच्छा हाँ ये पेड़ देखिए सीमेंट के, थोड़ा और आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे शेर की आकृति बनी हुई है दोनों तरफ, ये श्री मंडी के बनाए। हाँ ये देखिए कितना बहुत ही अच्छा लग रहा, बहुत ही सुंदर, दोनों दोनों तरफ केले के वृक्ष हैं, और उसमें पके हुए केले भी हैं, कच्चे हुए केले भी लगे हुए हैं। अंदर को हम लोग प्रवेश ले रहे हैं, ये देखिए अंदर सब बहुत अच्छा बना हुआ है। ये हैं सिद्ध बाबा सामने, बाबा जी का आशीर्वाद वगैरह ले लिया है हम लोगों ने। और देखिए कितना अच्छा, हर जगह मतलब मूर्तियाँ लगी हुई हैं, बहुत अच्छा है।
बहुत अच्छा दिख रहा है यार, देखिए कितनी बढ़िया सजावट हुई है। और पीछे भी मंदिर हैं कुछ, देखिए छोटे छोटे मंदिर हैं पीछे बहुत। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। और कोई भी स्थान है तो वहाँ ऑटोमेटिक अच्छा लगने लगता है, देवस्थान होना चाहिए। इधर भी कोई मूर्ति स्थापित की जाएगी, ये भी एक मंदिर है। और बहुत संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। अब हम चलते हैं ऊपर, ये देखिए ऊपर मंदिर के लिए रास्ता बनी हुई है। और हम इस पेड़ की बात कर रहे हैं, ये देखिए ये सीमेंट से तैयार किया जा रहा है। जब ये रंगाई उंगाई इसकी हो जाएगी बहुत अच्छा दिखने लगेगा, तब भी हम दिखाएंगे आप लोगों को। और ऊपर चल रहे हैं हम लोग केले के पास, उधर पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं कोई पता नहीं अभी है। रास्ता बनी होगी तो ज़रूर चलेंगे। और अभी काम चल ही रहा है लगातार, काफ़ी वर्षों से इसका काम चल रहा है। ये देखिए अभी अभी निर्माण कार्य चल ही रहा है। ये देखिए हम लोग दूसरे पार्ट पे हैं, हाँ दूसरे फ्लोर हैं, फ्लोर पे। और बहुत अच्छा है, देखिए यहाँ से कितना अच्छा नीचे का दृश्य दिख रहा है। और यहाँ पे भी मूर्ति स्थापित की जाएगी। और हम आ चुके हैं केले के पास, ये देखिए आप लोग देख सकते हो कितना स्वादिष्ट केले पके हुए केले देखो लगे हुए हैं इसमें। सब सीमेंटेड का आकार दिया हुआ है, सीमेंट से सब बना है। और आप लोग देख सकते हो यहाँ का दृश्य कितना अच्छा है। ये भी शेषनाग की मूर्ति है, आपको देखिए हम लोग ऊपर हैं, ऊपर से देखिए शेषनाग कितना मतलब सुंदर दृश्य दिख रहा है। हम नीचे ले जाके आपको विधिवत दिखाते हैं। और अभी हम लोग ऊपर ही टहल रहे हैं। और ये कि ये पेड़ सीमेंटेड पेड़ है, बहुत अच्छा दिख रहा है। हाँ एक उधर छोर पे, एक इधर, हाँ एक उधर साइड में है, उधर साइड में, और एक इधर है। और आप लोग देख सकते हो मेन गेट से हम लोग काफ़ी अंदर आ गए हैं। ये एक मंदिर इधर भी है, सीढ़ी से चढ़ के जाना होता है। एक मंदिर इधर भी, छोटे छोटे मंदिर हैं। और सब लोग यहाँ पे जितनी भी भीड़ है अपने काम से आई हुई, कोई मुंडन करने के लिए आया है, कोई कथा सुनने के लिए, कथा वगैरह भी सुनने बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। अब हम लोग और ऊँचे चलते हैं ऊपर। और हम भी पहली बार यहाँ पे आए हुए हैं, आप लोगों को हमने सोचा आप लोगों को साथ ही साथ दिखाते हुए चलें। देखिए काफ़ी ऊँचे, हम लोगों को और जाना है, मुझे तो डर लगने लगा है। हाँ हाँ तीसरे फ्लोर पे, और सपोर्ट भी ज़्यादा नहीं है, एक तरफ केवल बांस बंधा हुआ है। भैया लोग चढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा, सब लोग ऊपर चले गए हैं। काफ़ी इसमें इधर उधर सपोर्ट नहीं है, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही ऊपर जाने की। और हमारे मित्र भी ऊपर चले गए हैं, खड़े होकर देख रहे हैं। और आना है हमको भी भाई, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही, मैं नहीं ऊपर जाना। हाँ है तो बढ़िया, लेकिन डर लगता है यार, ऑटोमेटिक डर लग रहा है मुझे। हाँ हाँ सपोर्ट है नहीं, हम चल रहे हैं भैया धीरे धीरे, क्योंकि देख सकते हो आप लोग इधर उधर सपोर्ट तो है नहीं। और मुझे ऊंचाइयों से वैसे भी डर लगता है, हम बहुत ज़्यादा डरते रहते हैं ऊंचाइयों से। आ गए हम लोग बिल्कुल लास्ट फ्लोर पे, और यहाँ काम चल रहा है भाई, टाइल्स वगैरह लग रही हैं, डिज़ाइन वगैरह। वो बहुत अच्छा दृश्य देखने को मिला, देखिए त्रिशूल बना हुआ है। अच्छा भैया, हाँ पास में शिवलिंग है और त्रिशूल भोले बाबा का। ये देखिए भैया बहुत अच्छा बनाए हुए हैं। और ये वाह, बिल्कुल देखिए तीन मंजिल पे हम लोग हैं इस समय, तीन मंजिल से नीचे का दृश्य बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और सब छोटे छोटे दिख रहे हैं सब लोग। और ये देखिए यहाँ पे ये हम लोग बिल्कुल करीब से इसको,
जहाँ पे बाबा जी अनाउंस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, क्योंकि अभी ऊपर मूर्तियाँ बनी नहीं हैं, तो जो बच्चे लोग ऊपर चढ़ आते हैं अभी सपोर्ट भी नहीं अच्छी खासी है, और ऊपर आ जाते हैं उन्हें लगता है कि मूर्ति बनी हुई है, तो वो भी एक हिसाब से सही बता रहे हैं। भगवान प्रसाद स्वीकार कर लेता है, सभी लोग तान लगाकर सुनो, ध्यान से सुनो। ये देखिए यहीं से हम लोग नीचे जाना है, अब कोई सपोर्ट नहीं है। ऊंचे में प्रसाद लगाने से ऊंचियों का मुंह काला हो जाता है, और दृश्य देखिए यहाँ से पीछे का दृश्य इसका बहुत अच्छा दिख रहा है। अच्छा काम करो, वाओ, बेकार काम ना करो, ना कोई झुटके। राम राम दिखा टाइल से, उपकार तुमने नीचे डाल दिया। देखिए टाइल से ही राम राम लिखा हुआ है, और उधर बाबा जी दिशा निर्देश दे रहे हैं लगातार। ये देखिए वाओ कितना अच्छा लग रहा है भाई, राम 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 राम, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, सब टाइल्स की कलाकारी है इसमें। और यहाँ से आप लोग नीचे के छोटे छोटे मंदिर भी देख सकते हो। हाँ ये देखिए छोटे छोटे मंदिर भी यहाँ पे बने हुए हैं, बहुत अच्छा दृश्य भी यहाँ से दिख रहा है। किधर राधे राधे, इधर लिखा है इधर राधे राधे। अरे वो ये देखिए राधे राधे, कितना प्यारा लिखा हुआ राधे राधे। थोड़ी सी झलक शेषनाग की, अब चलते हैं आप लोगों को नीचे शेषनाग दिखाते हैं, और आप देखोगे तो बहुत ही आश्चर्य मानोगे, बहुत ही अच्छी कलाकारी दिखाई गई है यहाँ पे। और मैं आराम से नीचे उतरता हूँ, क्योंकि हाँ मुझे तो डर लग रहा था, क्योंकि सपोर्ट नहीं है ना इसीलिए। अब दूसरी मंजिल से उतर रहे हैं हम लोग हैं, ये भी सीढ़ियों पे अभी सपोर्ट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बन जाएगी। ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये इन गाड़ियों से जाते हैं गांव-गांव में, अपना जो सहयोग बनता है लोग देते हैं। अब हम लोग नीचे फ्लो पे आ गए, बिल्कुल देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, लोग पहुंच रहे हैं अब शेषनाग के पास। ये देखिए अपने कृष्ण कन्हैया तो आप लोग जानते हो, नटखट थे, ग्वाल वालों के साथ में अपना गेंद वगैरह खेल रहे थे, तो गेंद उनकी चली जाती है यमुना नदी में, तो वहीं पे यहाँ ये कालियानांग शेषनांग जो भी कह लो उनसे मुलाकात होती है, बहुत ही ज़्यादा उनसे लड़ाई उड़ाई होती है, उनको प्रस्त करते हैं फिर वो। और बाकी मैंने बता ही चुका हूँ कि इनके हाथ में देखिए गेंद भी है और बांसुरी भी है, तो बड़े सम्मान के साथ में वो अपने फन पे बैठाल के और पानी के बाहर लेके आते हैं, और ये इनकी रानियों की मदद से इनको मतलब बख्श दिया जाता है। रानियाँ सब हाथ जोड़ रही हैं, ये देखिए सब इनकी शायद कालियानांग की चार रानियाँ होंगी। और बहुत अच्छा लगा भाई यहाँ पे आके, बहुत अच्छा दृश्य देखने को मिला। ये एक मंदिर है, सीढ़ियों से जाना पड़ता है, और ये देखिए इसी तरीके से मतलब उधर भी सब रंगाई पुताई जब बढ़िया से हो जाएगी, इनको बढ़िया से कलर दे दिया जाएगा, तो बहुत अच्छा दिखने लगेगा। वीडियो हमारी अब यहीं पे समाप्त होती है, उम्मीद करते हैं ब्लॉग बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, जो हमारे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।
यार भैया? यहाँ पे हम लोगों को पुजारी जी, जो मेन हमारे पुजारी जी हैं, वो मिल गए हैं। अब उनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं। बहुत पुराना है, हम लोग छोटे से थे जी, तब से हम ऐसे ही, यहाँ भीड़ जो है बराबर ऐसे ही लगती है, मान्यता भी बराबर ऐसी ही जी। सब लोग जो जैसा मांगते हैं वैसा ही पाते हैं बाबा। एक पुराना मंदिर, अच्छा, अरे ये जो है कम से कम 100 साल से जो है, तक हम बता रहे हैं कि बहुत बुजुर्ग लोग जो है कहते थे कि हम नहीं जानते हैं, ये बहुत दिन से है। ये मंदिर जो इस समय इसका निर्माण हुआ है, ये कब, अभी तत्काल में हुआ? हाँ, अभी तत्काल में, 4-5 सालों से, 5-6 सालों से बन रहा। अच्छा, तो यहाँ